हेगा गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू बी इंडिया इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी अंडर बी बीजे दैट इज द टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी शॉर्ट लेक ओके सो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा स्पेशली अबाउट द प्रोज एंड कॉन एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मेड द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द कम्प्लीट प्रोज एंड कॉन्स ओके इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इन टू दिस कॉलेज दैन आई थिंक दैट दिस वीडियो विल बी रियली वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू भाई अगर आप इसमें आप लेने एडमिशन लेने का चांस है आपका एंड यू आर प्लानिंग टू गेट देन आई थिंक आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए अंत तक एंड डोंट एनी सेकेंड बिकॉज एवरी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल का इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माई चैनल फॉर सच इंपॉर्टेंट वीडियो बिसाइड गिविंग द कॉलेज रिव्यू आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस आई विल टॉक अबाउट द कोडिंग बेसिक्स लैंग्वेज ओके वट इज मार्क पॉइंट मुक्स पॉइंट्स क्या होता है वही फ्री कैट क्या होता है ऑल थिंग्स आई विल गिव डिटेल इन दिस बारे में बताते हैं कि हाँ इसमें यह अच्छा इसका प्लेसमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बट नो वन सेबाउट द कॉन्स बट द पर्पज ऑफ दिस चैनल टू गिव यू द जेन्यून इन्फॉर्मेश कॉन्स पर ज्यादा फोकस भी करूँगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी सी द प्रोज सो वट इज प्रोज ऑफ दिस कॉलेज ओके सो ए नो दैट अ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ टेक्नो इंडिया ग्रुप एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी अंडर द टेक्नो इंडिया ग्रुप ओके सो टेक्नो इंडिया ग्रुप में वही बहुत सारा कॉलेज आता है सच टेक्नो में एंड सॉल्ट लेक टेक्नो वाटा नगर ओके एंड बिइाइड्स अ वेरियस कॉलेज मीन्स मोर देन टेन ट्वेंटी इंस्टीट्यूशन आर देर इन टेक्नो ग्रुप तो ये भी एक पार्ट है टेक्नो इंडिया ग्रुप का ओके तो प्रोज का पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज गुड इन साइड दिस कॉलेज क्यों भाई आपको कॉलेज लेना चाहिए ओके सो आई विल टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोज क्या इसमें खास है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द लोकेशन भाई दिस कॉलेज इज सिचुएटेड इन द कोर सिटी ऑफ कोलकाता एंड सेक्टर फाइव दैट सॉल्ट लेक सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मीन्स लोकेशन बाय यू ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर द होल बेस्ट बंगाल पूरा पूरा बेस्ट बंगाल है भाई सबसे अच्छा लोकेशन सॉल्ट लेक सेक्टर फाइव ये सब का एंड बिसाइड द मीन्स यू विल गेट अ कंप्लीटली मोटिवेटेड बिकॉज मेनी ऑफ द कंपनी एज द बिप्रो इन्फोसिस इंस्टेक महिंद्रा हो गया या फिर या आप बात कर लिए सी एस सो सभी लोग का हेड ऑफिस वही टेक्नोमेन्स सॉल्ट लेक सेक्टर फाइव में मीन्स जस्ट आपको मुश्किल से टेन ट्वेंटी किलोमीटर के आसपास में ऑल दीज थिंग्स आर सिचुएटेड सो दिस आर अ ग्रेट फेनोमेना ऑन दैट और यही मीन्स हेल्प करता है उन लोग को प्लेसमेंट दिलाने में आदर यू गैन टॉक अबाउट द टेक्नोमेंट लेक एंड अदर थिंग सो दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू ओके इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड दैट्स ऑल थिंग्स मूविंग टू नेक्स्ट प्रोज दैट भाई और इसमें क्या खर्च है सो प्लेसमेंट एज आई एव ऑलरेडी मैंशन दैट इफ यू आर स्टूडेंट एंड कंप्लीटली फोकस्ड फॉर द गुड प्लेसमेंट विद अ गुड सिटी सी एंड विद द हाइएस्ट ओके सो दिस ऑल थिंग्स विल बी रियली मीन्स Good placement this will be provided, okay. So, actually, this is the highest LP is not 72 LP, okay. This is so. What about the means placement number of placements? So, that is has happened. So, for the CSC, 90 to 95 percent placement means almost all students get placed into CSC and IT. And but there is a little bit, or you can say the loophole that I will talk in the cons, okay. So, what is actually cons regarding the placement? So, I will talk about later. सो so, भाई एवरेज सिटी बीच कॉलेज का बहुत बढ़िया 4.7 टू 5.3 पॉइंट ओनली दिस ईयर भाई हर एक साल नहीं होता आता मीन्स एवरेज इफ आई टॉक आउट द प्रीवियस एंड ऑल थिंग्स ईयर देन फोर पॉइंट टू टू फोर पॉइंट फाइव लैक रहा था बट दिस ईयर दे हैव गॉट द सडन इंक्रीजमेंट बिकॉज दे आर फोकसिंग कंप्लीट ऑन दैट एंड दिस इज द यू कैन से द थर्ड मोस्ट मीन्स बिसाइड द मीन्स यू कैन से द आई आई टी एंड ऑल थिंग्स थर्ड मोस्ट एंड यूनिवर्सिटी इन द बंगाल सो दिस इज प्लेसमेंट भाई वही इस कॉलेज का कोई जवाब नहीं है एंड वन द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल थिंग्स ओके बट इन टर्म्स ऑफ मीन सर इन कंपेरिजन बिथ टेक्नो अगर आप मेन सॉल्ट लेक से कंपेरिजन करें तो उनका उससे इनका तुलना में भाई प्लेसमेंट कम ही होता है ओके सो इन टर्म्स ऑफ द इफ बी आई मेक कंपेरिजन बिटवीन द टेक्नो मेन शॉल्ट लेक एंड टेक्नो यूनिवर्सिटी देन टेक्नो मेन सॉल्ट लेक इज फार बेटर देन टेक्नो यूनिवर्सिटी ओके नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट और यू कैन से द फॉर एनी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स दे वांट द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दे वांट द गुड लैब दे वांट द अदर फैसिलिटीज एमिलिटीज ऑल थिंग्स सो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज ऑल दो मीन्स वेरी वेरी फाइन एंड वेरी वेरी गुड ओके इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भाई ये कॉलेज बहुत अच्छा है सो दैट इज ऑल अब द प्रोज ओके एंड आई विल कम जस्ट इन अ सेकेंड अवॉट द कॉन्स कौन के बारे में बताएँगा नेक्स्ट प्रोज इज द आउट होस्टल सो

न मूविंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स सो भाई भैया प्राउप्रोज तो सब लोग बताते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट इसका अच्छा है लोकेशन अच्छा एन ऑल थिंग बट टेल मी अबाउट द कॉन्स आई वॉन्ट द कॉन्स सो इसमें क्या खराबी है दैट प्लीज टेल मी सो मैं बात करता हूँ कॉन्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट कॉन्स दैट इज फॉर द टेक्नो मेन यूनिवर्सिटी दैट इज द कॉस्टली वेरी वेरी कॉस्टली कंपेयर्ड टू द अदर डब्ल्यू बी आई कॉलेज सो इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ नॉर्मल एवरेज फैमिली अगर आप एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं देन दिस मे बी नॉट योर चॉइसिस वाई बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉस्टली कंपेयर टू अदर भाई अबाउट ऑलमोस्ट सिक्स लैख बस इसका फी आता है मीन बिसाइड दैट्स अदर फैसिलिटीज अच्छा हॉस्टल वगैरह के लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा समझ रहे हैं कि थोड़ा कॉस्टली है सो दैट आई थिंक देर इट मे बी डिमेरिट फॉर अदर स्टूडेंट एंड इट मे बी नॉट फॉर अदर ओके जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है उनके लिए ठीक है बट आई एम टॉकिंग मीन्स फॉर फॉर द ऑल स्टूडेंट ओके स्पेशली फॉर द एवरेज और यू कैन से द मिडिल क्लास स्टूडेंट सो दिस मे बी कॉस्टली फॉर यू बट या यू कैन टेक द क्रेडिट लोन और अदर थिंग्स ओके मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज द कैंपस लाइफ भाई दिस इज द वेरी वेरी लूफ फॉल फॉर द दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सो वेरी पुअर कैंपस लाइफ एंड नो एनी स्कोप फॉर स्पोर्ट भाई बहुत छोटा कैंपस है एंड देर इ नो यू विल नॉट इंजॉय कैंपस लाइफ और आप भाई आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि भाई एक सॉल्ट लेक सेक्टर फाइव जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है और इवन के से दैट बहुत पौस इलाका है एंड सो एरिया भाई बहुत कम रहता है और कोई भी कॉलेज जो प्रॉपर सिटी में सिचुएटेड है उनको एरिया कम ही रहता है सो so इनमें भी भाई एरिया बहुत कम है एंड देर नो एनी स्कोप फॉर स्पोर्ट्स तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स एंड दिस मे बी नॉट योर गुड ऑफ चॉइस प्लेसमेंट बात कर रहा था दैट वट प्लेसमेंट गुड फॉर द ओनली सी एस सी आई टी एंड अदर थिंग्स बट एवरेज फॉर द कोर ब्रांचेज कोर ब्रांचेज आई मीन्स द मैकेनिकल हो गया ई त्रिपल ई हो गया सो यमें भाई उनका प्लेसमेंट कोई खास नहीं हो रहा है सी एस बी एस न्यू ब्रांचेज हुआ है बट दे आर इम्प्रूविंग इन सी एस बी एड बट कोर ब्रांचेज का में कोई खास प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं है बट अगेन आई एम सेंग दैट इफ यू आर द कैंडिडेट्स हैविंग द गुड पोटेंशियल एंड नो ऑल थिंग दे ब्रांच डजेंट मैटर कोई भी ब्रांच रहे भाई आप फोड़ के आएंगे कोई भी प्लेसमेंट रहे कोई भी थिंग्स बिकाउट यू नीड ऑल द बेसिक थिंग्स कोडिंग लैंग्वेज मीस आपका कितना अच्छा है कोडिंग कितना स्ट्रॉग है व्हाट अबाउट द डी एस ए वट अबाउट द अदर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट सो ये सब कितना अच्छा आप कर रहे हैं दैट डिफाइन योर द प्लेसमेंट सिन तो वो सब अगर आप अच्छा कर रहे हैं देन यू विल गेट सर्टेनली अ गुड प्लेसमेंट गुड पैकेज आई दर बिलोंग टू एनी ब्रांच तो कोई ब्रांच भैया आप बिलोंग कर रहे हैं यू विल गेट द गुड दैट ऑल थिंग्स सो इन बट दिस इज द रियलिटी दैट प्लेसमेंट इज नॉट गुड फॉर द कोर ब्रांच नेक्स्ट इज द अटेंडेंस सो भाई अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर दिस कॉलेज एंड यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस सो भाई सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस मैंडेटरी है सो दिस में भी द अगेन प्रोज एंड कॉन्स फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट किन के हो सकता है भाई अटेंडेंस नहीं है बट आई थिंक दैट एवरी स्टूडेंट स्पेशली विद द कॉलेज स्टूडेंट बान टू इन्जॉय द अदर थिंग्स टू सो वो लोग बंक क्लास भी ऑप्ट करते हैं ओके क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ सो वो सब आपको करने मिल रहा है या नहीं यू हैव टू गिव द स्ट्रिक्ट रीजन फॉर ऑल थिंग्स सो दिस इज़ द नेक्स्ट कॉन्स ओके अगेन बोल रहा हूँ भाई किन्हीं के लिए कौन हो सकता है नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट द ड्रेस कोड सो हट अबाउट द ड्रेस कोड सो भाई देर आर वेरियस स्टूडेंट्स दे आर सेंग दैट भैया आई हैव ऑलरेडी स्पेंड द ट्वेल्व ईयर और यू कैन से दीन वेल्युबल टुवेल्व ईयर फॉर द बियरिंग ड्रेस कोड बार बार ड्रेस खोलना टाई खोलना ड्रेस पहनना टाई पहनना फिर से जूता फॉर्मल ऑल थिंग्स सो दैट इज़ नॉट गुड पार्टिकुलर स्टूडेंट कोई किन्हीं को अच्छा नहीं होके सो इसमें ड्रेस कोड मैंडेटरी है ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर और फिर जैसे जैसे आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ा जाएंगे तो यू कैन यू हैव टू बियर फॉर्मल और ड्रेस ओनली एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट इन एन इंपॉर्टेंट कोई फेस्ट हुआ तो उसमें आपको पहनना मैंडेटरी है बट फर्स्ट ईयर के लिए सबको मैंडेटरी है यू हैव टू बियर द ड्रेस कोड मीन्स यू हैव टू फॉलो द ड्रेस और यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर अटायर ऑल थिंग्स सो वही ड्रेस कोड इज मैंडेटरी फॉर दैट ओके मूविंग टू नेक्स्ट भैया आप कहना क्या चाह रहे वट एक्चुअली वाट वांट टू यू से शुड आई ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज और नॉट तो क्या लेना सही रहेगा कि नहीं ये बताइए क्योंकि भैया आपने तो प्लेसमेंट बता दिया कि हाँ ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया आपने सब चीज़ बता दिया कि कौन सा बता दिए प्लेसमेंट बता दिए अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट द फैकल्टीज भी भाई ओवरऑल फाइन है सो आपने ये सब बता दिया बट कहना आप क्या चाह रहे वो बताइए सो आई एम सेंग दट इफ यू आर द स्टूडेंट्स एंड वॉन्टिंग टू इन्जॉय द ओवर ऑल लाइफ दैन यू कैन मीस ओवरऑल कॉलेज लाइफ दैन यू कैन ऑफ्ट फॉर दिस कॉलेज बट इफ यू वॉन्ट टू इन्जॉय कैंपस लाइफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देन दिस कॉल इज नॉट गुड फॉर यू आपके लिए सही नहीं है देर आर अदर ऑप्शन अवेलेबल अगर हल्दिया में मिल सकता है दैन यू कैन ऑफ्ट फॉर द हल्दिया एंड अदर थिंग्स टू सो बट या लोकेशन वाइज भाई टॉप है और आपको प्लेसमेंट में प्रायोरिटी मिलेगा सो आप डिपेंड करता है योर चॉइस दैन वट टू वांट ओके क्योंकि भाई कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इधर प्लेसमेंट uh, क्योंकि भाई ये आई तो नहीं है ना ओके सो यू हैव टू सेक्रीफाई अदर इधर प्लेसमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं वेरी वेर वेट देर सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज अंडर डब्ल्यू बी जी आई होप यूर ऑल डाउट रिगार्डिंग दिस चीज क्लियर और अब भाई आपका डाउट क्लियर हो गया कि या मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी ए डायलमा एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट हेयर आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल ओके और कोई भी हेल्प चाहिए देन यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल वे आर आई एम असिस्टिंग द डब्लू डी कैन लेट ऑल थिंग्स एंड इफ यू वांट द पेड काउंसिल एट नॉमिनल प्राइस देन यू कैन कॉन्टेक्ट नी एट द इंस्टाग्राम आई विल प्रोवाइड यू द ऑल सफिशेंट डिटेल देयर अगर आप इंटरेस्टेड दे कैन ऑप्ट फॉर मी ओके सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सो दैट यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट वीडियोज ऑफ मी क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सो so, फिर इस वीडियो में इतना ही था टिल बाय बाबा यू इन द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद